सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। मेरा नाम जसलीन कौर है, मैं मुल्तानी मल मोदी कॉलेज पटियाला विच पढ़दी हाँ ते BSc नॉन मैडिकल भाग 3 विच हाँ। साडा अज दा विशा है हिंद दी चादर। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिन्हां नूं तिलक जंजू दे राखे दे नाल नाल भी जाणिआ जांदा है। गुरु जी दे जीवन तों सानूं बहुत सारीआं सिक्ख्यावां मिलदीआं हन। अज असीं गुरु जी दे जीवन विचों कुछ हिस्सिआं नूं विचारांगे अते अपने अज दे जीवन लई कुछ ना कुछ सिक्ख्या लवांगे। गुरु जी का जन्म 1621 ईस्वी में माता नानकी की कुखों शहर अमृतसर विखे होया। आप दे पिता श्री गुरु हरगोबिंद जी सन। बचपन में आप का नाम त्यागमल रखा गया। जदों आप दे सब तो वड्डे भरा बाबा गुरदित्ता जी का विआह सी, उस समय आप की उम्र केवल 5-6 सालों की ही सी। विआह मौके आप ने अपने नवे वस्त्र अते हाथ विच पहने हुए 2 सोने के कड़े उतार के एक गरीब बच्चा जो ठंड विच ठर रहा सी उस नूं दे दित्ते ताकि उसका तन ढकया जा सके अते उसके घर विच खाण लई अन्न आ सके। जदों माता नानकी ने आप की फरियाद श्री गुरु हरगोबिंद जी नूं कीती तां उन्होंने कहा कि अज तां केवल इसने अपने वस्त्र अते सोने के कड़े ही किसी नूं दित्ते हन। एक समा ऐसा भी आएगा जदों मनुखी हक्कां अते किसी दूजे के धर्म नूं बचाउण लई इह अपना सीस तक दे देवेगा। सानू भी गरीबां की मदद करनी चाहिए है। सानू चाहिए है कि असी उन्होंने बच्चों स्कूलों में पा दईए ताकि उन्होंने आने वाला भविख भी संवर जाए। 30 मार्च 1664 ईस्वी में श्री गुरु हरकृष्ण जी ज्योति जोत समाउण तो पहला सिखां नूं कह गए गुरु बाबा बकाला। जदों सोढ़ियों नूं इन्हां बचनां बारे पता चला तो बहुत सारे सोढ़ी झूठे गुरु बन के बकाले विच बैठ गए। जदों 9 अक्तूबर 1664 ईस्वी में मक्खन शाह व्यापारी अपना दसवंध गुरु घर भेंट करने लई बकाले पहुँचा तो उसने सारे गुरुआं अगे 2 मोहरां रख के मत्था टेकिया ते सोचा कि जो सच्चा गुरु होएगा अपना दसवंध आप ही मंग लेगा। किसी झूठे गुरु ने उस को अपना दसवंध ना मंगया। जो गुरु जी ने उस को अपना दसवंध मंगया तो उसको सच्चे गुरु का पता लग गया। वह कोठे उत्ते चढ़ गया तो गुरु लादो रे कह के सारी सिख संगत को सच्चे गुरु बारे जाणू करवा दिता। असी वेख सकते हाँ कि भेखधारी इस गल की उड़ीक विच रहिंदे हन कि कदों पंथ विच कोई भुलेखा पवे अते वह अपनी गद्दी चला सकन। यही कारण है कि पंजाब के हर पिंड विच अज भेखधारियों के डेरे खुले हुए हैं। सानू शब्द गुरु नाल जुड़ के इन्हां दी होंद नूं जड़ तो खत्म कर देना चाहिए है। गुरु नानक देव जी तो बाद सब तो लंबी यात्रा करन वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी होए हन। उन्होंने अपनी यात्रा दौरान लोगों को कई तरह के उपदेश दिते, जिन्हां विचों एक है कि तंबाकू का सेवन नहीं करना। पर की अज असीं नशियां तो मुक्त हो गए हाँ? की साडे अज दे गाने, साडा मनोरंजन मीडिया जिसनूं असीं दिन रात वेख रहे हाँ, सानू नशियां दे राह ते जाण तो रोकदा है? सानू इन्हां गल्लां बारे सोचना चाहीदा है। गुरु जी ने सानू कर्म कांडा तो मुक्त हो के सच्चे अकाल पुरख की भगति नाल निरपो होण दा उपदेश दिता। पर की अज असी काले धागे नहीं बनते? वह ता भी कर्म कांड का एक हिस्सा ही है। असाम विच राजा राम सिंह अते राजा चक्कर द्वज की सियासी लड़ाई विच बह के गुरु जी ने उसनू अमन अते शांति नाल खत्म करवा दिता, जिस नाल दोहां पासियां दी फौजां नू सुख दा साह आया। अज भी असी वेखते हाँ कि जदों हिंदुस्तान की लड़ाई उसके नाल लगते मुल्कां नाल हुंदी है तो गरीब फौजी अते आम जनता दोहां पासियां तो मारे जाते हैं। राजनीतिक नेता झूठी राष्ट्रभगति के नाते मनुखी कदरां कीमतां का घाण करते हैं। सानू एक गल समझ लैनी चाहिए है कि नेतावां वल्लों बनाए देशों के नक्शे रब वल्लों बनाई मनुखता तो उपर नहीं हैं। 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने तय किया कि वह सारे हिंदुस्तान नू मुसलमान बना देवेगा, जिसलिए उसने सब तो पहला कश्मीर नू चुनिया। 25 मई 1675 ईस्वी कश्मीरी पंडित कृपा राम की अगवाई हेठ गुरु जी के शरण विच आए। गुरु जी ने उन्हां दी बांह फड़ी अते उन्हां दी धर्म की रक्षा खातिर अपनी कुरबानी देने का फैसला कर लिया। जदों गुरु जी दिल्ली गए तो उन्होंने अखा सामने उन्होंने 3 सिंह भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी को तसीहे दे के शहीद कर दिता गया। जल्लाद जलालुद्दीन ने गुरु जी को मौत के डरावे दिते, जिसका पलटवा जवाब देते हुए गुरु जी ने उसनों कहा कि मैनू मौत तो डर नहीं लगता, मैंने तो सारी जिंदगी ही मौत के गीत गाए हैं। जो उपजो सो बिनस है, भरो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। इस उपरंत 11 नवंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु जी को शहीद कर दिता गया। अज कई बार बाणे दी होमे विच असी दूजे धर्मां दा निरादर कर देंदे हाँ जो कि सिखां नूं शोभा नहीं दिंदा। साढ़े गुरुआं ने सानूं मुश्किलां विच फसे लोकां दी मदद करना, मनुखी हक्कां लई लड़ना अते सारे धर्मां दा बराबर सतिकार करना सिखाया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।